हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं ब्रेड पेटीज, वो भी सोए के कीमे से। इसकी आवाज़ सुनिए आप। इतने ही क्रिस्पी करारे बनेंगे। इसके लिए मैंने ये सोए का कीमा लिया, इसको पानी में बॉईल कर लिया। आप चाहें तो ऐसे श्रेडेड कर दें या मिक्सी में इसे पीस लें। ये चिकन का कीमा था थोड़ा सा ये मेरे पास, इन दोनों को ही मिलाकर मैंने मिक्सी में चला लिया है। आप चाहें तो आधा चिकन का कीमा आधा सोया ले लें या सिर्फ सोए का ही ले लें। इधर मैंने बंद गोभी, टमाटर और प्याज बारीक बारीक काट के रखे हुए। दो बड़े बड़े चम्मच हैं प्याज भी, बंद गोभी भी और टमाटर भी। ये हमने चाट मसाला डाला, 2 टीस्पून चाट मसाला डालिएगा, खूब टेस्टी अच्छा होगा। 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 2 चम्मच इसमें हमने मेयोनीज डाली है, मेयोनीज से बाइंडिंग भी हो जाएगी और आपको वो जो है वाइट वाला कॉर्नफ्लोर मैदा का वो नहीं बनाना पड़ेगा। इन सबको अच्छी तरह से मिला दें। चाहें तो आप इसमें नमक, काली मिर्च भी मिला सकते हैं और सिरका थोड़ा सा, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा है। इसे अच्छी तरह से इसे मिला के, थोड़ा सा मेरे को अभी चाहिए था, मैंने थोड़ा सा ले लिया है। बारीक बारीक प्याज और टमाटर काटा ले। ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसके किनारे काट दिए, जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन था, और फिर बेलन से इसको पूरी तरह से बेल लिया। इससे क्या होगा कि ब्रेड बहुत जल्दी एकदम सारा तेल चूस लेती है ना, तो वो नहीं होगा, इसके सारे पोर्स बंद हो जाएंगे, तो ये एक पेटीज की तरह काम करने लगेगी। तो इसलिए ऐसा ब्रेड को चिपकाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप सिंपली ब्रेड ले रहे हैं ना, तो फिर आप कॉर्नफ्लोर या अंडे के बैटर में डिप करके और ब्रेड क्रम से कोट करें, दूसरा मेथड ही है। लेकिन ये वाला आसान मेथड है कि आप सिंपल इसको बेलन से खूब अच्छी तरह से बेल लें ताकि इसमें कोई जगह ना। उसमें 1 बड़ा चम्मच हमने मिक्सचर का रखा, कॉर्नर से हटा के थोड़ा मिट में रखा और इसको दोनों हाथों से दबाएं, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के दबा लें। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच लेकर और 2-3 चम्मच पानी का घोल बना कर 2 चम्मच और उस घोल उसको चारों तरफ जैसे सलरी लगाते हैं समोसे वोसे में फोल्ड करते वक्त, वैसे लगा लें। मैंने पानी ही से इसको बंद करा था, सब तरफ के कोनों को अच्छी तरह से बंद करें, ये ध्यान रखें, क्योंकि कोना अगर ज़रा सा भी खुला रहा तो मिक्सचर जो है वो बाहर निकल आएगा तेल से। यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और ये हमने इसे डालते टाइम और हाथ से दबा लिया ताकि ये खुले ना। इसमें आप चाहें तो सब्जियों की फिलिंग, आलू की फिलिंग, चिकन की फिलिंग, कीमे की रख सकते हैं, मैंने तो सोए की रखी है। लेकिन मैंने सोए की भी बनाई तो उसमें भी सोए के बिल्कुल मीट जैसा मज़ा आया। क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन का पीस डाल दिया था, लेकिन आप प्योर वेज हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। इनको हर तरफ से सुनहरा होने तक सेकेंगे, बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, इन्हें सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी सीख जाती है।